तो दोस्तों सब्सक्राइब करें भानु स्वास्थ्य केंद्र यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटी वाले आइकन को शरीर के सभी असाध्य रोगों का घरेलू संसाधनों के द्वारा सफल इलाज पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वो है कि जितना भी शुगर के पेशेंट हैं उनको खट्टी चीज़ खानी चाहिए या ना खानी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे तथ्य आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो सबसे पहले चलता हूँ कि जितने भी शुगर के पेशेंट हैं उनको खट्टी चीज़ खानी चाहिए ना खानी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो खट्टी चीज़ ना खाएं। वजह, या जितने भी आपके अचार हैं, नींबू का अचार हो गया, आम के अचार हो गए, दूसरा किसी भी प्रकार का अचार जो है वो आपके लिए वर्जित है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारा जो लीवर है, जो पित्त, उससे एक डक्ट निकलता है जिससे एक रसाब है, तो वो क्या होता है, कड़वा और तीखा होता है, यानी कि कड़वा और तीखा होना चाहिए, जिसको बोलते हैं पित्त, और या बाइल बोलते हैं उसको। तो अगर मान लिया कि जब भी हमारा जो लीवर है फैटी लीवर है या लीवर से संबंधित हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यही जो लीवर जो हमारा एक जो पित्त छोड़ता है, जो उसका रस है, वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और खट्टा मतलब समझते हैं आप, जिसको अंग्रेजी भाषा में समझें तो एसिड बोल सकते हैं। तो एसिड जो है वो हमारा सीधा पैनक्रियाज में जाएगा, जबकि हमारे पैनक्रियाज के लिए कड़वी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा कि जो पित्त है हमारा, वो जो लीवर में जब मिलेगा, अपना सॉरी पैनक्रियाज में मिलेगा, तब हमें फ़ायदा करेगा। अगर इसको हम पहले ही जो हमारा लीवर है ख़राब हो चुका है या फिर किसी भी वजह से लीवर में प्रॉब्लम है, तो वो खट्टा विकृत हो जाना, मतलब यानी कि उसका जो काम करने का ढंग है वो आपको क्या करेगा, खट्टा पैदा करेगा, और खट्टा जाएगा सीधा आपके पैनक्रियाज में और आपके पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाएगा, और कॉज शुगर आपकी कंट्रोल होने की बजाय और बढ़ती जाएगी। मतलब ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। और जिन लोगों को पित्त की समस्या है, वो कृपया अधिक खट्टी चीज़ ना खाएं। आगे चलता हूँ भिंडी के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऐसे वीडियो बनाए, तथ्य देने की कोशिश की, लेकिन आज मैं इस वीडियो को और ज़्यादा महत्व देता हूँ। फिर भिंडी से शुगर जो है कंट्रोल होती है, मैं कहता हूँ होती है। वजह ये है कि भिंडी जो है वो पित्तनाशक है, भिंडी पित्तनाशक है और कफ कारक है। तो मतलब भिंडी से क्या होगा कि आपके जो पित्त की जो गर्मी है उसको शांत करेगी और कफ की मात्रा बढ़ाएगी, और जब कफ की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो यानी कि पित्त के ऊपर जो हावी हो जाता है वो होता है कफ। तो भिंडी के अंदर कफ की प्रधानता है, इसलिए भिंडी जो है वो आपके शुगर में अच्छा रोल अदा करती है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने इसके ऊपर, जो जानकार लोग थे, उन्होंने भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि शुगर इससे ठीक होती है नहीं, लेकिन शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा नुस्खा है ये। तो आगे चलता हूँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं कि जो शुगर से अत्यधिक पीड़ित हैं। ये वीडियो डालना मेरा शुगर के ऊपर, ये एक मिशन भी है, एक मेरा संकल्प भी है, और मैं इस शुगर को दिनों दिन जड़ से धोता जाऊँगा। मुझे पता है कि मैंने कितने पेशेंट ठीक किए हैं दोस्तों, मुझे पता है अब उनके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं, और उसमें से 70 पेशेंट तो बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, बिल्कुल क्योर, जिनको अब डायबिटीज़ की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो काम करती है या देते हैं। अब एक और चीज़ कहूँगा कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि शुगर ठीक नहीं होती है। दोस्तों जब अंग्रेज़ों ने राज किया है हिंदुस्तान के ऊपर, तो उनका एक ही मतलब था, एक ही मिशन था कि फूट डालो और राज करो। और अब यही एक पैमाना जो है
एलोपैथी साइड से बन चुका है कि शुगर जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, या जिसको इंसुलिन लग रहे हैं वो इंसुलिन उसको सदा लेना होगा, जीवन भर उसको इंजेक्शन जो है वो लगते रहेंगे। इसके पीछे मिशन ये भी है दोस्तों कि अगर मान लिया देसी दवा, इसको इसके अंदर आयुर्वेद को दबाया गया है, जबकि हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा है ये, इसके अंदर ऐसे मतलब शक्ति है, ऐसी ताकत है आयुर्वेद के अंदर कि शुगर को जड़ से मिटा सकती है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं कि ये शुगर जो है वो ठीक नहीं होती है, आपको दवाई खानी पड़ेगी, वजह कि आपका जितने भी मेडिकल्स एजेंसीज हैं, मेडिकल्स फैक्ट्रीज हैं, या तो उनकी फिर सेल बंद हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी भी, या जब हमें अत्यधिक प्रॉब्लम होती है तो वही एक अल्टरनेट होता है कि हमें उससे जल्दी राहत मिल जाती है, वो शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये कहना गलत है कि शुगर जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं होती है। तो कारण क्या हुआ कि हमारा आयुर्वेद दिन प्रतिदिन दबता गया। हाँ, कुछ लोगों का आयुर्वेद से भरोसा इस कारण भी उठ गया कि मान लिया आपने कोई नुस्खा या कोई आयुर्वेदिक दवाई ली, तो होता क्या है परिणाम स्वरूप, या तो वो हमें सूट नहीं करती है, या फिर हमारे जो हमारे जिस्म को वातपित्त कफ अनुसार वो जो दवाई चाहिए वो नहीं लगी। तो आप 5-7 टोटके या नुस्खे अपना करके अगर आप ऐसा समझते हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, अपने जिस्म को देखकर ऐसे प्रयोगों को आप करें। जिस प्रकार हमने जो हम जो ग्लोए वाली मेडिसिन देते हैं उसके अंदर इसी सिद्धांत के ऊपर हम उसको पेशेंट को देते हैं कि ये किस प्रकृति का या किस मतलब उसमें ढलेगा कि इसको जो दवाई है वो सूट करे, और इस इन जिन मरीजों को हम दवाई देते हैं ताकि उन लोगों की शुगर जो है वो ठीक हो जाए। तो मेरा कहने का अंतिम भाव ये है कि आप ऐसा परहेज करें जिससे आपके लीवर को नुकसान ना हो, और जो आपका लीवर जो कमज़ोर पड़ गया है या कुछ विकृत हो गया है और वो खट्टा और तीखा छोड़ने की ना सॉरी कड़वा और तीखा छोड़ने की बजाय खट्टा उत्पन्न कर रहा है, तो जब एसिड आप ऊपर से एसिड और ले रहे हैं और पहले ही अंदर एसिड बहुत है, तो हमारे पैनक्रियाज को भी नुकसान करेगा, हमारी स्टमक को भी नुकसान करेगा, हमारा ड्यूडिनम पॉइंट यानी कि ड्यूडिनम पॉइंट उसको बोलते हैं जो अमावस्या और छोटी आँत जहाँ जुड़ती है वहाँ ड्यूडिनम पॉइंट है, जिसको अग्नाशय का केंद्र बिंदु भी माना जाता है, यानी कि अग्नि का स्थान माना जाता है वहाँ पर, तो उस वजह से वो भी ख़राब होता है। और हमें जैसे कई प्रकार की बीमारियां, अल्सर होना, गैस्ट्राइटिस अल्सर, और पैनक्रियाज से संबंधित भूख न लगना, हमारी स्टमक के अंदर भी इसमें कैंसर हो जाता है, कई बार ड्यूडिनल कैंसर हो जाता है, ना सॉरी अल्सर हो जाता है, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे इस सिद्धांत के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मैं ये आगाह करने का मेरा वीडियो था कि कृपया जिन लोगों को शुगर है वो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और हल्की और जो आपके पित्त को शांत करने वाली चीज़ें हैं उसका आप, जैसे गर्मियां हैं उसका आप अत्यधिक इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।